नमस्कार, मैं रुपेश खबर फॉर यू के अपने इस चैनल पर आज हम लोकसभा चुनाव पर चर्चा में जो लोकसभा क्षेत्र का चुनाव किए हैं वो है बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट अररिया, जो सीमांचल क्षेत्र से आता है, और अररिया पर विशेष ध्यान रखते हैं हमारे राजेश प्रियम जी, और ये बताएंगे वहाँ का अभी जो चुनावी समीकरण है वो कैसा चल रहा है और क्या वहाँ पर अभी घटनाक्रम हो रहा है। जी राजेश जी, बहुत बहुत आभार रुपेश जी। और अररिया का सीट हॉट सीट है बिहार में। अगर वोटों का तुष्टिकरण की राजनीति कहीं होती है सबसे ज्यादा बिहार में, तो वो अररिया क्षेत्र है। मोदी के लहर के बावजूद भी 2014 में ये सीट चर्चा में तब आया जब यहाँ से तस्मीमुद्दीन जो है वो जीतने में कामयाब हो गए थे। 2014 के चुनाव में बुरी तरीके से जो अभी वर्तमान कैंडिडेट है प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के तरफ से वो हार गए थे। जी 2014 के चुनाव के बाद 2017 में तस्लीमुद्दीन की निधन के बाद उनके बड़े बेटे को राजद ने टिकट दिया और सरफराज आलम उनका नाम है और वो जीतने में कामयाब हो गए। हालांकि 2019 में फिर से मोदी के प्रदीप कुमार सिंह ने उनको पटखनी दे दी। मोदी जी के प्रिय भक्त प्रदीप कुमार सिंह पर मोदी जी का भरोसा है, भाजपा का भरोसा है, इसीलिए जी जी 2019 में उनकी जीत को एक जश्न के रूप में भाजपा ने देखा और 2024 में उनको फिर से टिकट दिया है। लेकिन आरजेडी ने अपने हारे हुए कैंडिडेट पर दोबारा भरोसा नहीं किया। हालांकि टिकट उसी घर में रहा है, उनके छोटे भाई को दिया गया। इसके बावजूद भी बड़े भाई जब टिकट कटा तो फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन राजद ने उनके छोटे भाई पे भरोसा किया। भरोसा का एक बड़ा वजह ये रहा कि जोरीहाट एक जगह है, वहां पर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो जी विधायक है वर्तमान में, वो जीते थे ओवैसी के पार्टी से, शाहनवाज आलम उनके छोटे जो छोटे भाई हुए सरफराज के, तस्मीउद्दीन के जी जी छोटे बेटे, लेकिन वो ओवैसी को दगा दे के राजद का लालटेन थाम लिए थे। तो शायद यही अच्छा वजह अच्छा कि इस वजह से राजद ने उन पर भरोसा जताया। हालांकि दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव है और इस मनमुटाव के कारण प्रदीप सिंह के रास्ते आसान नजर आ रहे हैं। इस पर जातीय समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में M/Y समीकरण है। M/Y समीकरण राजद के साथ अगर पूरी तरीके से रहता है तो प्रदीप सिंह के रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा है इन कास्ट का, और दूसरी बात है कि संख्या बहुत ज्यादा है। 42 से 44% तक मुस्लिम आबादी है उस क्षेत्र में और 12 से 15% तक यादव। इसके अलावा अन्य जातियों की संख्या है जिसमें फॉरवर्ड क्लास कास्ट की संख्या ठीक ठाक है, लगभग लगभग 26 से 27% यहाँ पे जो है जी, सामान्य जातियों की आबादी है और बाकी 14% में अन्य जातियां हैं। ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है और यहाँ भी बाढ़ की बड़ी समस्या रहती है, एक बड़ी आबादी को पलायन करना पड़ता है और कल कारखाने रोजगार की सुविधा यहाँ बहुत कम है। तो इसके वजह से एक बड़ी आबादी वैसे ही बड़े शहरों की तरफ पलायन करती है। लेकिन जी, भाजपा की स्थिति विधानसभा के अनुसार भी बड़ा मजबूत है। अगर आप बात करें विधानसभा के हिसाब से तो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इस लोकसभा में, जिसमें से 3 पर भाजपा के कैंडिडेट जीते हुए हैं, एक पर कांग्रेस, एक पे राजद और एक पे जदयू के कैंडिडेट। तो NDA 4 और ये जो महागठबंधन है वो 2 सीट पे जीत हासिल की है विधानसभा के अनुसार। राजेश जी, अगर आपने इतने सारे आंकड़े बताए हैं तो मैं बस इतना आपसे जानना चाहूंगा कि 2014 और 2019 में जो मत यहाँ पर पड़े थे उसकी अगर थोड़ा सी तुलना करके हमारे दर्शकों को समझने के लिए आसानी से अगर बता सके तो। रुबे जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह जीते थे और जी हारे जी थे राजद के सरफराज आलम, तस्मीनुद्दीन के बेटे हैं। तो दोनों का मैं वोट बता देता हूँ। प्रदीप कुमार सिंह को 6,18,434 वोट मिले थे जो कि 52.87% होता है, और जी सरफराज आलम को 4,81,193 वोट मिले थे जो लगभग 42% के आसपास होता है। तो अच्छे खासे वोट मार्जिन से प्रदीप कुमार सिंह जीते थे। हार जीत का लगभग अंतर लगभग 10%। 1,37,241 वोट का रहा था। हालांकि 2018 में यहाँ उपचुनाव हुआ था, तब प्रदीप कुमार सिंह हार गए थे और सरफराज आलम जीते थे। उस समय की जी, स्थिति बताऊं तो सरफराज आलम को 5,09,334 वोट मिले थे और प्रदीप कुमार सिंह को 4,47,546 वोट मिले थे। हार जीत का अंतर 61,788 वोट का रहा था। जी 2014 में मोदी लहर के समय जब जीत हार की बात होगी
तो उस समय की मैं बात बता दूं कि तस्लीमुद्दीन जो जीते थे आरजेडी के 4,07,978 वोट उनको मिला था। उस समय भी प्रदीप कुमार सिंह लड़े थे बीजेपी से, जिनको मात्र 2,61,474 वोट मिले थे। हार जीत का बड़ा अंतर रहा था 1,46,504 वोट का, लेकिन इसका कारण था जदयू अलग लड़ रही थी, त्रिकोणीय मुकाबला था, और उस समय जदयू के विजय कुमार मंडल यहाँ से चुनाव लड़े थे, जिनको 2,21,769 वोट मिले थे। तो जी ये था वहां का। धन्यवाद राजेश जी, इतनी सटीक विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जी, बहुत बहुत आभार।